नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, इससे बड़ी कमाल की बात क्या होगी कि दुनिया भर में दुत्कारे जाने और इतनी बार बेइज्जती होने के बाद भी पाक के टोपीबाज शत्रुमुख की तरह गर्दन उठाकर चलते हैं। तशरीफ तो इनकी जमीन पर टिकती ही नहीं, उसका इस्तेमाल तो वैसे भी मटकाने के लिए होता है। शायद पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर जावेद मियादाद भी शत्रुमुख की उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाने आए हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है पाकिस्तान का ये नया भिखारी। मैं मानता हूँ हमारे लोगों ने पैसा जो है बहुत खाया, सब कुछ किया, अब छोड़ दें। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं ये प्लान लेके आ रहा हूँ और जो मैं आप लोगों से एक भीख मांगने जा रहा हूँ, वो ये जा रहा हूँ कि जिनके पास पैसा भी है, खुदा के वास्ते अगर अपनी आखिरत सही करनी है तो ये पैसा तुम दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि इस मुल्क को लूटा है, हर आदमी ने लूटा है, हर ये चलो अब वो भूल जाए। अब मैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत करते हैं मेरे से, पाकिस्तान से, उनकी या माँ बाप भाई बहन सब रहते हैं आने वाले। आज मैं पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी भाई हैं, आज मैं उनसे अपनी गिराइयों से मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, और भीख मांग रहा हूँ किसके लिए, अपने लिए, मैं इस पाकिस्तान के लिए। देखिए, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, पर इनके पास एक चीज जरूर है और वो है एल्यूमिनियम का पुराना कटोरा, जिसे पिछले 72 सालों से यह इतनी बार उठा चुके हैं कि एल्यूमिनियम भी सोचता होगा कि अगर वह लोहा होता तो कम से कम जंग खाकर खत्म हो गया होता। पर इस मदरसा कौम को उसकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है दुनिया में एल्यूमिनियम और उससे बड़े कटोरे का आविष्कार इन्हीं टोपीबाजों के लिए हुआ है। इस देश का ऐसा कोई तहमंदबाज या सलवार वाला पीएम नहीं है जिसने इस मुल्क की गद्दी पर बैठकर भीख नहीं मांगी हो। अभी 2 हफ्ते पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के इतिहास में बड़ा कारनामा किया है। नोबेल प्राइज के चक्कर में कुछ लोगों को सरकारी खजाने से 12,000 रुपए लुटा दिए, कुछ इसलिए कि इस योजना में 1,10,00,000 लोगों ने आवेदन किया था, मगर इमरान 32 लाख परिवारों को ही यह पैसा दे पाए, बाकी 80 लाख टोपी लाते रह गए क्योंकि सरकारी खजाने में हफीज शेख तैमंद लहरा चुके थे। वैसे इस शेख के बाद दूसरे शेख जो रेल मंत्री है, उन्होंने भी ऐसा ऐलान कर दिया है कि रेलवे के पास जून के महीने के वेतन के पैसे बचे हैं, जुलाई और उसके बाद की तनख्वाह इमरान खान को ही देनी पड़ेगी। अब ऐसे में यह लोग कटोरा नहीं उठाएंगे तो क्या हीरमंडी के चौक पर गधैया नृत्य करके दिखलाएंगे? पर मामला यहां तक नहीं है, पाकिस्तान के सामने इससे भी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। वह IMF और विश्व बैंक के आगे कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मगर इन संस्थाओं से ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान को अपने एटमी जखीरे को इन संस्थाओं के सुपुर्द करना होगा, उसके बाद ही आगे की मदद मिल पाएगी। इसका मतलब यह है कि यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान का एटमी ताकत का दर्जा ही खत्म कर देना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान जिन एटम के बल पर दुनिया को ध्वस दिखाकर भीख उघाई करता रहा, अब उसके सूली पर चढ़ने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बाजे लगभग बच चुके हैं। कोरोना वायरस ने यहां इतनी तेजी से कहर बरपाया है कि संक्रमित मरीजों की तादाद 31,000 के करीब पहुंच गई है, निर्यात 70% गिर गया है, जबकि आयात का पाकिस्तान के ऊपर भारी दबाव है। पर दिक्कत यह है कि खजाने में ढेला तक नहीं है। इमरान खान ने 9 मई से लॉकडाउन में छूट दी है इस उम्मीद में कि कुछ पैसा आएगा, मगर यहां पैसा कम कोरोना का प्रसाद ज्यादा बट रहा है, जो हर दिन के साथ दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। जावेद मियादाद से पहले इमरान खान पाकिस्तानियों से भीख मांग चुके हैं। इमरान को पैसे इकट्ठे करने का ज्यादा तजुर्बा है, परंतु जब उनका तजुर्बा ही फेल हो गया तो इस पोपल को कौन अठन्नी देगा? फिर अठन्नी भी तभी मिलेगी जब किसी पाकिस्तान की जेब में बची हुई हो। विदेशों में बसे 17% टोपीबाज अभी होमलेस है, 22% टैक्सी ड्राइवर है, जबकि 42% निर्माण के क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। केवल 2% पाकिस्तानी हैं जो कुछ मदद कर सकते थे, पर उन्हें इमरान खान पहले ही चूना लगा चुके हैं। यही तबका डैम के लिए दिए गए चंदे का हिसाब मांग रहा है। पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस सागर निसार ब्रिटेन में जाकर बस गए हैं, उन्होंने भी डैम के नाम पर पिछवाड़े फाड़कर रख दिए थे, पर आज पाकिस्तान खुद ही फटने वाला है। अगर बच गया तो भारत में मौजूद नरेंद्र मोदी इनको बकसने के मूड में हरगिज नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।